नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा निगम और आप देख रहे हैं आज की नई नौकरी एंड एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको इसमें पूरी बताऊंगा कि इसमें क्या है, उनसे कौन सी सिलेबस आने वाली है और आपकी कौन सी इसमें परीक्षा होगी। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नए नए फार्मों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेलवे की 62,000 ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी में परीक्षा का क्रम और सिलेबस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती में दो परीक्षाएं होगी और पहली परीक्षा है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी और दूसरी परीक्षा होगी PET की यानी फिजिकल इफिकेंसी टेस्ट होगी, और दोनों परीक्षा पास करने वाली अभ्यर्थी ही चयन के लिए मान्य होंगे। तो चलिए और हम बात करते हैं कि आपकी परीक्षा कैसे होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब यह है कि आपकी कंप्यूटर पर परीक्षा होगी और अभ्यर्थी के समक्ष एक विशेष तौर पर तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे। अभ्यर्थी को उनमें से सही उत्तर का चयन करना होगा। यह 1 घंटे का एग्जाम होगा और कुल 75 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। इसमें माइनस मार्किंग नियम लागू होना, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका प्रश्न 1 गलत हो जाता है तो आपका 3 नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप सोच समझकर इसमें एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए और बात करते हैं कि आपकी कैसे क्वालिफिकेशन होगी, आपको कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफिकेशन परीक्षा इसमें कर लेते हैं तो अगर आप जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 40% अंक इसमें लाने होंगे, और इसमें OBC के हैं तो 30% इसमें अंक लाने होंगे, और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% अंक हासिल करने होंगे। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। दोस्तों, अगर आप टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, अगर आप इस परीक्षा में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो दूसरी परीक्षा है PET की, आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, प्राप्तांकों के आधार पर रेलवे भर्ती बोर्ड सफल उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट पर अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजेगा। दोस्तों, अगर आपका इसमें नाम आ जाता है, अगर आप इतने प्रतिशत अंक ला देते हैं तो आपका एक शॉर्ट लिस्ट जारी होगा। अगर आपका उसमें नाम होगा तो आपकी जो दूसरी परीक्षा है शारीरिक की, उसमें आपको यह भेजेगा। तो और देखते हैं कि ग्रुप डी का कौन कौन सा सिलेबस होगा, आपको कौन सी विषय की तैयारी करनी होगी। तो देखते हैं दोस्तों कि पहले नंबर पर है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर में। देखते हैं क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले सामयिकी पर सामान्य जागरूकता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीति, महत्वपूर्ण दिन, राजनीति और राष्ट्रीय मामले, भारतीय रेल प्रसिद्ध व्यक्तित्व, खेल और सिनेमा, सामयिकी, महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण लेखकों, पुरस्कार और सम्मान, उपन्यास और पुस्तक के नाम पूछे जाएंगे। ये पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर है जनरल साइंस में। देखते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट है और आपको कैसी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर 10वीं स्तर की फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री व बायोलॉजी आएगी, और इसमें अध्ययन जीव विज्ञान आएगी। आप इसमें से तैयारी कर लीजिएगा।
और तीसरे नंबर पर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें देखते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट है, तो देखिए दोस्तों, अनुरूपता, वर्णानुक्रमानुसार और संख्या श्रृंखला, कोडिंग व डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सीलोजिज्म, जबलिंग वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, समानताएं व अंतर, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वालिफिकेशन, दिशाएं, कथन, तर्क व धारणाएं, समानता, निर्णय लेना, दिशा का परीक्षण, सेंस, नंबर, नंबर रैंकिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, वर्णमाला, श्रृंखला, रक्त संबंध, अंकगणित, तर्क आदि से प्रश्न आएंगे। दोस्तों, अगर आप इसमें से पूरी तैयारी कर लेते हैं तो आपका पक्का प्रश्न फंस जाएंगे और आप आसानी से जो परीक्षा है आप देने जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पर देखते हैं मैथ में कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी, तो देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्योमेट्री व त्रिग्नोमेट्री, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु की गणना, कैलेंडर और घड़ी, नल और टंकी, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, एकात्मक विधि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, औसत दशमलव, फ्रैकन्स आंकड़ा, निर्वचन, HCF, LCM, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, अनुपात और अनुपात साझेदारी आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसमें कर लेते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि आप अगर जनरल के हैं 40% अंक इसमें लाने होंगे, और OBC वर्ग के हैं तो 30%, SC के हैं तो 30%, और ST के हैं तो आपको 25% इसमें अंक लाने होंगे, आप इस परीक्षा में क्वालिफाई कर लेंगे। और इसमें होगी एक और परीक्षा जिसका नाम है PET का, और इसमें फिजिकल इफिकेंसी टेस्ट होगी। अगर आपकी इसमें सब चीज़ सही होती है तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों को भी मालूम चले कि कौन कौन सी सिलेबस में से प्रश्न आएगी, और आपके दोस्त भी तैयार कर लें। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं और आपको अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।